हेलो दोस्तों, ये कहानी ब्लडी मैरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नाम की दो बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी की मैरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। इस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बढ़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने इसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उसकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्द ही उनके राज्य को एक नया राजा मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उसके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उसे घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे श्रापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?